आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। महबूबा मुफ्ती के आवास पर पीडीपी को नहीं मिली युवा सम्मेलन की इजाजत, पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले हम गन्ना की बात करते हैं और वो जिन्ना की। राजस्थान की रैली में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जनता की भलाई नहीं चाहती है सरकार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,774 नए केस, 306 लोगों की मौत। संजय राउत बोले कांग्रेस को फिर से मजबूत करना राहुल प्रियंका के सामने बड़ी चुनौती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव खबरा निवासी अरविंद ने थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। जानकारी के बाद गांव में परिजनों और ग्रामीणों के बीच खुशी का माहौल है। गांव खबरा निवासी अरविंद का थाईलैंड में एशियन चैंपियनशिप रोइंग में सिंगल स्कल्स में प्रतिभाग किया था। इसमें उन्होंने प्रतिभाग करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। जानकारी के बाद परिजनों ने ढोल नगाड़े की ताल पर डांस किया, साथ ही ग्रामीणों के बीच मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। ग्रामीणों ने परिजनों की जीत की शुभकामनाएं दी हैं। रायबरेली के सदर विधानसभा सीट के विधायक आदित्य सिंह पर स्थानीय प्रधान ने धमकी देने और जान से मारने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पर प्रधान ने विधान परिषद सदस्य अध्यक्ष से की, साथ ही डीजीपी से पत्र भेजकर सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार का कहना है कि इस मामले में कोई शिकायत ही पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अगर संज्ञान में आता है तो मामले की जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। हमारी खबर को इस तरह से जरूर ध्यान दे रहे कि मेरे ऊपर अब कई सारे आपराधिक मुकदमे बनाए जा सकते हैं और मेरे ऊपर जांचें फालतू की बैठाई जा सकती हैं काल्पनिक तौर पे, और मेरे प्रधानी कार्यकाल को भी खतरा उत्पन्न किया जा सकता है, जिसमें आप सभी से चाहेंगे कि हम पर अपनी निगाहें बनाए रखें। सुल्तानपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने जा रहे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गठबंधन का सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तीन चुनाव भाजपा के साथ लड़ा और चौथे चुनाव के लिए बातचीत जारी है। वहीं सपा के गठबंधन के अफवाह पर अनुप्रिया ने कहा कि राजनीति में अफवाह और लोगों के विचार आते रहते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने भी राहुल से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सुल्तानपुर से तो हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे डेस्टिनेशन आजमगढ़ है। आज विधानसभा सगड़ी में एक बहुत बड़ी जनसभा है, विजय संकल्प रैली की श्रृंखला हमारी पार्टी द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें हम हर जनपद में पहुंच रहे हैं। तो आज आजमगढ़ जिले का हमारा कार्यक्रम है। इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिला महासचिव पद पर हैं और मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ। हमारी पत्नी जी प्रधान हैं। माननीय जी से मुलाकात हुई, माननीय जी ने उंगली हमारी चोटिल हुई है इसके बारे में पूछी। हमने बताया 16 नवंबर को माननीय मोदी जी की रैली थी, रैली के दौरान बस में औरतों को बैठाने के चक्कर में बस आपस में लड़ गई थी, जिसमें हमारी तीनों उंगलियां कट गईं। माननीय सांसद जी ने आश्वासन दिया कोई भी दवा के लिए कहीं जाना हो तो लखनऊ के लिए हम अपॉइंटमेंट आपको करवा देते हैं, पूरा भरपूर सहयोग करने के लिए भी आश्वासन दिया है। यहां सुल्तानपुर जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया। बलिया में बैरिया मंडल की ओर से भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री ने अपनी पार्टी के भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला महामंत्री रंजीत मौर्या पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला मोर्चा की महामंत्री ने रंजीत मौर्या पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पीड़िता का आरोप है कि रंजीत मौर्या संगठन में बड़ा पद दिलाने के नाम पर शारीरिक शोषण का दबाव बना रहा था।
देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के परिसियामल में एक नाबालिग छात्रा को कुछ दरबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि नाबालिग की हालत काफी गंभीर है और स्थानीय लोगों को आर्थिक मदद उसका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि छात्रा लगभग 10 दिनों से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती है और प्रशासन की तरफ से खानापूर्ति किया जा रहा है और दबंग व्यक्ति खुलेआम ग्रामीणों को चुनौती दे रहा है, अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मामला ये है कि एक लड़के को बेरहमी से मारा गया है और वो अस्पताल में है, कोई उम्मीद नहीं है कि वो बचेगी कि नहीं बचेगी। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आ रही है जा रही है पूछ रही है खाली। खबर संबल से है जहां देश भर में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में एसकेबी इंटर कॉलेज हिरोनी में अमृत महोत्सव के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी हरगोविंद यदुवंशी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजकुमार वैदिक रहे और अपने संबोधन शुरू करते हुए राजकुमार वैदिक ने वीर हकीकत राय खुदीरिया बोस मंगल पांडे मौजूद रहे। कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रवीण यादव ने अमृत महोत्सव आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। तमिलनाडु में कुन्नर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बचे हुए वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। सबकी बस यही प्रार्थना है कि वीर वरुण सिंह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौट आएं। देवरिया में भी सुभाष चौक पर भाजपाइयों की तरफ से हाथ जोड़कर कैप्टन वरुण सिंह की सलामती की दुआ की जा रही है। सुभाष चौक पे इकट्ठा होकर के हम लोग देश के अमर बलिदानी, अमर शहीद और प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत को अपनी श्रद्धा सुमन और अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और पहली बार भारत में ऐसा कारनामा जो उन्होंने किया वो पहली बार हम लोगों को देखने को मिला। सर्जिकल स्ट्राइक हो या देश के लिए कोई भी जंग हो, उनकी कृति हमेशा अमर रहेगी। उन्होंने जो अपना त्याग और बलिदान दिया और जो संदेश दिया कि दुश्मन की तरफ से पहली गोली होगी और उसके बाद जो हमारी गोलियां होगी उनको कोई गिनने वाला नहीं होगा, ऐसा बोलने वाले वीर जवान को हम लोग सत सत। खबर उन्नाव से है जहां सूबे के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद उन्नाव की विधानसभा क्षेत्र पूर्वा के विकास खंड में 92 जोड़ों की शादी बंधन में बंधे। सामूहिक विवाह 92 जोड़ों को लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया। DM और SP ने बर्तन और चेक देकर गाजेबाजी के साथ नवविवाहित जोड़ों का विदा किया। अद्भुत लग रहा है, अकल्पनीय लग रहा है, अतुलनीय लग रहा है, इसकी शब्दों में तारीफ नहीं की जा सकती। दिल से कर रहा हूँ कि आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त हो गया और ये जो नज़ारा पूर्वा के इस ब्लॉक की धरती पर है, मुझे लगता मेरे पास शब्द नहीं। ऐसा है ना कि लोग विचारधारा में बट गए हैं, उनकी विचारधारा अभी शायद यहाँ नाच होता तो आते, नाच देखने के शौकी हैं सब। जैसे हमको बताते हैं कि विधायक क्या नाचने वाला होना चाहिए, विधायक किस तरीके का होना चाहिए, विधायक अपनी जनता को 10 मिनट खुशी दे सके उसी तरीके का होना चाहिए, चाहे उसको जिस तरीके से मजा आए। क्या दे सकते हैं किसी को, क्या दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, खुशी की कोई कीमत नहीं है। इसलिए उनकी मानसिकता ऐसी है कि कहीं मैं जाऊं मेरी फोटो न खिंच जाए। और इस मुख्यमंत्री, देखिए किसी पार्टी के नाम से ये नहीं योजना है, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री विवाह योजना है। मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए, शरीक होना चाहिए और उनका वेलकम करते, हमने निमंत्रण भी भिजवाया था। आज पूरे जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है। उसी क्रम में आज पूर्वा में भी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हिलौली, पूर्वा, असोहा और बिछिया ब्लॉक के जो हमारे वर वधू हैं वो आए हुए हैं और बहुत ही भव्य तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जो हमारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास धनराशि की कमी है या गरीब परिवार है वो उनकी।
रायबरेली के सलोन विकास क्षेत्र में संपर्क मार्ग पर डस्ट की जगह पीली मिट्टी का प्रयोग किया गया। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत घोटाला हो रहा है, सड़क निर्माण के इस तरह की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है वो मटेरियल काफी ज्यादा खराब है और घटिया निर्माण की वजह से सड़कों की हालत काफी खस्ता दिखाई दे रही है। लोगों का मानना है कि सड़क जल्द ही गड्ढों में तब्दील हो जाएगी और इस मामले में लोग अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। योजना के तहत बनना चाहिए, इसमें मिट्टी एक भी इंच नहीं पड़ना चाहिए। जी जी, यहाँ जो कार्य जिस सिस्टम से इसका काम होना चाहिए उस सिस्टम से नहीं काम हो रहा। जी, यहाँ पे मिट्टी डाली गई है, मिट्टी पड़ी है। प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद मुफ्त गेहूं और चावल, चना दाल, नमक, पामोलिन तेल और मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है। मथुरा के में भी राशन वितरण योजना का शुभारंभ किया। राशन कार्ड धारकों को राशन बांटा गया और 3 किलो गेहूं, 2 किलो से चना और 1 किलो नमक और लोगों को बधाई दी गई। राशन वितरण के दौरान क्षेत्रीय पार्षद रूप सिंह पटेल, उचित दर विक्रेता नरेंद्र पटेल और कार्ड धारक मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि यह योजना दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक संचालित रहेगी, जिसमें कार्ड धारक को मुफ्त राशन दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के साथ एक नई योजना का शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 1 किलो तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चना, ये सभी हमारे जो कार्ड धारक हैं उनको शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगहों पर वितरित किया जा रहा है। जनपद में कुल 827 उचित दर विक्रेताओं की शॉप्स हैं, जिनके माध्यम से आज हर किसी को, हर पात्र गृहस्थी को या हर अंत्योदय कार्ड धारक को प्रत्येक कार्ड पर 1 किलो चना, 1 किलो नमक और 1 किलो तेल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में आज से खाद्यान्न के साथ साथ सभी कार्ड धारकों को 1 किलो चना, 1 किलो नमक और 1 किलो रिफाइंड ऑयल निःशुल्क वितरण कराने की योजना शुरू की गई है। आपके जनपद में भी ये योजना आज से प्रारंभ की गई है। विभिन्न जगह पर जनप्रतिनिधि लोग इस योजना शुभारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आपकी उपस्थिति में किया गया है और ये योजना जैसा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया, ये मार्च 2022। कानपुर देहात को पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अवैध शराब एसटीएफ की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। 15 लाख रुपए की यह अवैध शराब बताई जा रही है। सफलता पाने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने का ऐलान किया है। हाथरस में ब्राह्मण समाज की तरफ से दशकों से ब्राह्मण धर्मशाला के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ ब्राह्मणों का ये प्रयास असफल साबित हुए हैं। ब्राह्मण समाज की तरफ से कई मांगे नगरपालिका के चेयरमैन पंडित आशीष शर्मा के सामने रखी गई। पालिका चेयरमैन पंडित आशीष शर्मा ने धर्मशाला से जुड़ी जो परेशानियां सामने आ रहे हैं उसको दूर किया जाएगा और धर्मशाला की घोषणा होते ही ब्राह्मण समाज के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी में काफी खुशी की लहर दिखाई दी। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर भव स्वागत और सम्मान करते हुए उन्हें इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। किला गेट पर मेरे आवास के 10 कदम दूरी पर पथवारी मंदिर के बगल में एक बड़ा 700 गज का भूखंड जो हमने निजी अपने संसाधनों से खरीदा है, उसमें भगवान परशुराम की सेवा भवन का शिलान्यास 14 तारीख को विधिवत हजारों लोगों के द्वारा विधिवत उसमें शिला पूजन करके उसमें किया जाएगा। सभी से आह्वान करूंगा इस मौके पर आकर इस भविष्य के नए भवन का, जो कि अपने समाज के साथ साथ सब समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, उसमें आकर आशीर्वाद दें और भव्य शिलान्यास में वो भी एक आहुति देकर और शिला पूजन में। खबर औरैया से है, जहां सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र में मंडी परिसर में कटेरिया समाज के लोगों का विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में इटावा औरैया सांसद डॉक्टर रामशंकर कुठरिया मौजूद रहे। बता दें कि आगामी 2022 के चुनाव को मद्देनजर बीजेपी सांसद की तरफ से कटेरिया सम्मेलन के दौरान सभी से अपील करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। बीजेपी सांसद ने अपील करते हुए बीजेपी को भारू बहुमत से जिताने की बात कही। वहीं वर्ग सम्मेलन में भारी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग बच्चे भी दिखाई दिए। धानुक समाज की है, उसका राजनीतिक सामाजिक रूप से उनको जागरूकता आए, उनको चेतना आए,
वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, सर्विस के क्षेत्र में आगे बढ़े, सामाजिक तौर पर मजबूत हों। इस एक तरह से ये चेतना का कार्यक्रम है, ये जागरूकता का कार्यक्रम है। समाज अपने पैरों पर खड़ा हो, इस स्वावलंबी बने, इसका ये कार्यक्रम है, ऐसा एक सामाजिक कार्यक्रम। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर निश्चित रूप से हम 2022 के चुनाव की दृष्टि से भी हमारा पूरा समाज एक साथ एकजुट होकर के और पूरी तरह से, जैसे मैं अभी पार्टी में हूँ। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के राम जानकी नगर चौराहे पर रहने वाली महिला की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन आज परिजनों और मोहल्ले वासियों के राम जानकी नगर चौराहे पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गई और किसी तरीके से लोगों को समझा बुझा कर जाम को समाप्त कराया। वही मृतका की बेटी का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जिस कारण यह घटना हुई है। और परिजनों का कहना है कि पुलिस ने पैसा लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली और ड्राइवर को छोड़ दिया, इसलिए हंगामा किया जा रहा है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सहायता भी दी जाए। मामला सिर्फ इतना है कि हम लोग जा रहे थे गोरखनाथ घूमने, इतनी लापरवाही से इन्होंने गाड़ी चलाई कि हमारी पूरी दुनिया इन्होंने ले ली। हमारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे, हमने पकड़ा और लेकिन फिर भी इन्होंने घूस घास दे के भाग लिया। ये ड्राइवर टाली भी लेके भाग नागवंशी। फतेहपुर जनपद के थरियाव थाना क्षेत्र में गांव के बाहर बनी झोपड़ी में सो रहे वृद्ध की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था। मामले की जांच चल रही थी कि तभी जांच में ये सामने आया कि बेटे ने ही अपने पिता को मौत की घाट उतार दिया और 1,00,000 की सुपारी देकर बेटे की हत्या की थी। आरोपी के पास अवैध असला भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड हत्या आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। थाना थरियाव के क्षेत्र में दिमंगलपुर गांव में जलकिशन नामक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसकी उम्र 48 वर्ष थी और उसके बेटे द्वारा दो नामित अपराधियों को नामित किया गया था, दो व्यक्तियों को जिनको उसी समय पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ पे यह पता चला कि ये गलत नाम जपी हुई है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें जो है पुलिस ने अथक प्रयास करके घटना का बिल्कुल सही अनावरण किया है। 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अबरार मान सिंह और जलकिशन का लड़का इंदल और कामता, एक और बच्चा उर्फ रामजीत बचा हुआ है जो घटना में शामिल था और बाइक से लेकर के बदमाशों को उसने पहुंचाया वहां पर घटना का। फरुखाबाद में मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के खेलकूद वार्षिकोत्सव का समापन हुआ। वार्षिकोत्सव के समापन के साथ पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड के हास्य अभिनेता राजपाल यादव आए। हास्य कलाकार राजपाल यादव की एक झलक पाने के लिए युवक व युवतियों की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। भीड़ देख सुरक्षा कर्मियों ने घेरे में लेकर राजपाल यादव को मंच तक पहुंचाया। डॉक्टर जितेंद्र यादव और अनीता रंजन ने राजपाल यादव का स्वागत किया। इस दौरान बीएमएस की मेधावी छात्रा प्रगति पांडे को राजपाल यादव ने 51,000 रुपए का प्रतीकात्मक चेक भेंट किया। फरीदाबाद के पल्ला इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने के बाद पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर जानकारी मिली कि तलाक की अर्जी लगाने के लेकर पति ने अपनी पत्नी को गोली चलाई है और उसने जान से मारने की कोशिश की है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच की मांग कर रही है और पुलिस का कहना है कि आरोपी पति फरार है, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे ही बाहर खड़ा था, लड़की घर से बाहर निकली और बोली मुझे अंकल बचा लो मुझे, मेरा सचिन जो है ना मुझे गोली मार रहा है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे गोली मार देगा, फिर वो वापस चले गई अंदर। उसके बाद वो लड़का तो भग गया था, लेकिन बाद में पता चला सही में गोली उसको मारा है। फिर वो बाहर तब वो बाहर निकली, यहाँ लोग सोनमेंट फोन कर दिया, लाली मुझे बचा लो, मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो, मुझे गोली लगी है। पूरा मामला ये है कि लड़के ने, जो मेरी सिस्टर है, उसके हस्बैंड ने उसको गोली इसलिए मारी है क्योंकि उनके घर में काफ़ी टाइम से वो जॉब करता नहीं था,
आर्थिक तंगी चल रही थी, उसके घर वाले उसको प्रताड़ित करते थे लड़की को। एंड सेकंड चीज़ कि वो जब भी जॉब वगैरह के लिए बोलती थी कि मुझे पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, वो लोग मारने के लिए उसको सारी पूरी फैमिली गालियां देती थी, मारने के लिए उतारू हो जाती थी। और अभी जो था उन्होंने बिजनौर के गांव इनायतपुर में हो रहे विकास कार्य में घोटालों की पोल खोली जा रही है। ग्राम प्रधान ने रिश्वत लेकर काम किया है। कार्यों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव के पंचायत सदस्य और ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की है। वहीं डीएम ने कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। हम नरेगा की जाँच चाहते हैं, वो उसमें घोटाला कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे नहीं हैं उनकी भी वो हाजिरी भरते हैं, और ग्राम प्रधान जो हैं मनोवर, वो भी इसमें बहुत घोटाला कर रहे हैं। दोनों ही मिलकर के आपस में घोटाला कर देते हैं, और हम अगर मीटिंग कोई करते हैं तो हमारी नहीं सुनवाई हो पाती। मेरा नाम हरिश्चंद्र है, मैं ग्राम इनायतपुर का ही निवासी हूँ। अलीगढ़ में कस्बा जट्टारी के करनपुर गांव में अनुसूचित जाति के लोगों ने अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है लिख दिया है। अनुसूचित जाति के लोगों का कहना है कि जाट समाज के कुछ लोगों की वजह से उन्हें गांव छोड़ना पड़ रहा है। जाट समाज के कुछ लोग उन्हें अभद्र गाली और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी है। पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चाचा जी हैं, उनका लड़का एक किसान के यहाँ से धान कटाई के पैसे लेने गया था, तो रास्ते में आ रहा था, तो उन्होंने दो लड़के थे मोहित और टिंकू, उन्होंने इससे बोला 500 रुपये ले लेना, और ऐसे ऐसे बहन के बारे में कुछ बोला, बदतमीजी की जाति सूचक शब्द बोले, डेढ़ा वेढ़ा। तो इसने विरोध किया तो इसने मार लगा दी वहाँ पर। फिर ये रोता हुआ घर आया तो घर वाले गए तो फिर इनमें मार लगा दी। ये घर पे आए वापस छूट छाट के कैसे भी, फिर घर में घुसा आए और पुलिस सामने वीडियो बना रही है। 112 पे कॉल किया था लड़के ने, पुलिस वीडियो बना रही है ना कि उन्हें निकाल रही घर से। जब गांव के लोग उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं।